हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चल आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल चहल ऑफिशियल में। दोस्तों, एक नई वीडियो लेके आया हूं। नई वीडियो ये है बुलेट ट्रेन, जो कि हिंदुस्तान के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है बुलेट ट्रेन का अहमदाबाद से मुंबई के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से रेडी हो रहा है और अहमदाबाद में जो साबरमती वाला जो स्टेशन है वो रेडी हो रहा है, तो आप लोग मेरे पीछे देख भी सकते हो। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा अपडेट दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अगर नए व्यूअर मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो हाई स्पीड ट्रेन है अपनी उसका अपडेट मैं दे देता हूं इस वीडियो के अंदर। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इसको रेडी किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को इंडियन रेलवे इसका ओनर रहेगा और जो लेंथ है वो 508 किलोमीटर की रहेगी और जो स्पीड है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोस्तों, अप्रैल 2020 में वर्क स्टार्ट हो गया था, लेकिन लैंड एक्वायर की वजह से थोड़ा सा वो डिले हो गया और जापान के द्वारा के साथ मिल करके इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट किया जा रहा है। अप्रोक्स 70 से 80% जो लैंड है वो एक्वायर हो चुकी है और पुणे के अंदर भी मुंबई से पुणे का जो प्रोजेक्ट है उसका भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। तो दोस्तों, चलिए अभी हम चलते हैं मोटे इसके अंदर में। जो ये यहाँ पर गेट नंबर 1 आप लोग देख रहे होंगे, नेशनल हाई स्पीड वाला, ये साबरमती एरिया है। जो सुभाष ब्रिज है उसके बिल्कुल बाजू में ये बन रहा है। आप लोग देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन का काम है, काफ़ी चल रहा है। और स्टेशन जो ये साबरमती वाला बन रहा है हाई स्पीड ट्रेन का, बहुत ही बड़ा है, बहुत हाई लेवल पे काम चल रहा है और बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर है। जैसे लेबर्स वगैरह बहुत अच्छे से काम कर रही है। काफ़ी बड़ा इसका जो सेट है वो तैयार किया जा रहा है। एक तरह से स्टेशन रियल में बुलेट ट्रेन का ही स्टेशन लग रहा है, ये हाई स्पीड ट्रेन का ही स्टेशन है। इसमें जो करीब अहमदाबाद से मुंबई के 12 स्टेशन रहेंगे और जो कॉस्ट है 1.1 करोड़ की, इसका एक बजट तैयार किया गया है जापान के साथ मिल करके ही ये बजट रेडी किया गया है। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है किस तरीके से है, और आप लोगों को काफ़ी अंदर भी अभी मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर है क्या है आप लोग देखिए, यहाँ पर यहीं पर जो जो बिजली वगैरह है, रोडी वगैरह है, सीमेंट वगैरह है, वो सब रेडी करने का काम इसके अंदर ही किया जा रहा है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को आगे इसमें दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो बेसमेंट में आप लोग देखिए कि बेसमेंट किस तरीके से रेडी किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है अहमदाबाद से मुंबई का करीब 20 या 30 किलोमीटर तो कुछ है, 21 किलोमीटर ऐसा रहेगा जो सी के मतलब समुद्र के नीचे से भी रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों आप लोग, कितना बड़ी ये साइट बन रही है, कितना बड़ा ये स्टेशन बन रहा है साबरमती स्टेशन, बुलेट ट्रेन वाला या फिर हाई स्पीड ट्रेन वाला हम बोलेंगे इसको। बुलेट ट्रेन का अगर नाम नहीं देते तो, क्योंकि इसको हाई स्पीड ट्रेन का नाम ही दिया गया है। तो बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर क्रेनें काम कर रही हैं, जेसीबी मशीन्स काम कर रही हैं। आप लोग देख सकते हो इस क्रेन को, कितनी बड़ी ये क्रेन है और काम भी कंस्ट्रक्शन का, कितने सारे यहाँ पर फ्लोर आप लोगों को अभी नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि बेसमेंट के 2-3 फ्लोर हैं और ऊपर अभी ग्राउंड फ्लोर पर अगर हम देखते तो 1-2-3 फ्लोर मेरे सामने नज़र आ रहे हैं। और इसके आगे तक वो कितने फ्लोर अभी बनाएंगे वो अभी मुझे यहाँ पर डाटा प्रॉपर मिल नहीं पाया है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि मैं कैमरे को इधर से उधर जब घुमाता हूँ तो आप लोग देख लग रहा होगा कि बहुत ही बड़ा ये प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है। और इसी के बाजू में मेट्रो का जो अहमदाबाद में प्रोजेक्ट है वो भी रेडी हो रहा है, और साबरमती की जो अपने इंडियन रेलवे वाली जो ट्रेन है वो भी यहीं से गुजरेंगी। तो एक ही जगह पे 3 टाइप की ट्रेनें अहमदाबाद के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये 2028 तक का इसका प्रोजेक्ट है वो सेट किया गया है, 2028 में पूरा हो जाएगा। तो ये दोस्तों अभी हम आ गए हैं गेट नंबर 2 पे, जो साबरमती वाला जो ये स्टेशन रेडी हो रहा है। इसमें अभी यहाँ पर 2 गेट सेट किए गए हैं, एक गेट है वो लेबर के आने जाने के लिए और दूसरा जो गेट है वहाँ पर जैसे सामान जो भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है उस सामान के लिए। तो आप लोग देख सकते हो प्रोजेक्ट नेशनल हाई स्पीड रेल टर्मिनल, तो ये कंपनियाँ, क्योंकि अलग अलग कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर जिनको अलग अलग टेंडर दिए गए हैं इसके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं यहाँ से। यहाँ मैंने सिक्योरिटी से बातचीत की थी, उनसे परमिशन ली थी अंदर जाने के लिए कि सर मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा जो है थोड़ा सा यहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे उनको अब कुछ अपडेट देना है कि यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से चल रहा है, क्या चल रहा है। तो बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दी। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखा अभी अंदर लेकर के चलता हूँ। उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी थी, ज़्यादा अंदर जाने से मना कर दिया क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसमें रिस्क भी रहता है कि चोट न लग जाए, कुछ इश्यू न बन जाए। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आप लोगों को इधर की साइड से दिखाता हूँ। अभी मैंने दूसरी साइड से दिखाया था जो कि काफ़ी विशाल ये स्टेशन तैयार हो रहा है हाई स्पीड ट्रेन के लिए। तो इस साइड से भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके का यहाँ स्टेशन ये जो काम है वो दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए थर्ड फ्लोर जो अपन ने देखे थे और फोर्थ फ्लोर पर काम ऑलरेडी चल रहा है, तो चौथा फ्लोर ये रेडी हो रहा है। बेसमेंट का हमने उधर से देखा ही था, इस तरीके से ये स्टेयर्स वगैरह भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस जगह पर स्टेयर्स रहेंगे
तो देखना रहेगा कि 6 फ्लोर का बनाएंगे कि 8 फ्लोर का बनाएंगे कि कितना बनाएंगे। और जो अहमदाबाद से मुंबई के जो ब्रिज हैं 21 या 35 स्टील ब्रिज रहेंगे, क्योंकि बुलेट ट्रेन के लिए एक बिल्कुल अलग से ही लाइन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में सेट की जा रही है, तो उसी हिसाब से इसमें रहेगा। ये आप लोग देख सकते हो कि जो भी सामान कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है बहुत सारा सामान है, बहुत ज़्यादा लेबर यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट हालांकि डिले ज़रूर हो गया क्योंकि लैंड अक्वायर होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उस वजह से प्रोजेक्ट डिले तो हो गया है। पहले 2023-24 तक इसको कंप्लीट करने का था, लेकिन अब ये दिसंबर 2028 तक इसको शिफ्ट कर दिया गया है, इसलिए प्रोजेक्ट ही डिले तो काफ़ी हो गया है। लेकिन चलिए, फिर भी हिंदुस्तान जो ग्रोथ कर रहा है, गुजरात भी ग्रोथ कर रहा है, तो जो ग्रोथ में कुछ अच्छा रिजल्ट मिले अपने को तो वो अपने लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इतना सारा मटेरियल रॉ मटेरियल यहाँ पर बिखरा रखा हुआ है, इन्होंने देख रखा है, लेबर कॉन्टिन बहुत सारी लेबर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी आप लोग देख सकते हैं साबरमती स्टेशन का भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये रेलवे लाइन है और साबरमती स्टेशन वाली है, आगे साबरमती स्टेशन है। साबरमती के 2 स्टेशन हैं, एक मतलब अलग अलग लाइन यहाँ से गुजरती है, गांधीनगर से कनेक्टेड है और एक जो नॉर्थ इंडिया में जाती है वो कनेक्टेड है, तो दोनों लाइनें हैं ये आप लोग देख सकते हो साबरमती स्टेशन। और यहीं से आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया कि मोटेरा स्टेडियम भी नज़र आता है, ये सामने की साइड आप लोग देख रहे होंगे, अभी जो नज़र आ रही है वही क्रेन है जो अभी मैंने नज़दीक से वहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा था, तो वो सामने क्रेन भी कंस्ट्रक्शन का भी, और ये मेट्रो वाला जो ब्रिज है ये आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा। तो मेट्रो का, हाई स्पीड ट्रेन का और अपने नॉर्मल रेलवे, सभी चीज़ें आप लोगों को यहीं इसी जगह पे एक साथ देखने को मिलेंगी, तो सच में बड़ा ही अमेजिंग, बड़ा ही ब्यूटीफुल नज़र आएगा। और वो सामने आप लोग देख सकते हो मोटेरा स्टेडियम, बहुत हल्का नज़र आ रहा है, लेकिन वो लाइट की रोशनी की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा उसका, लेकिन यहाँ से मैंने अपने मोटेरा स्टेडियम का पहले भी अपडेट आप लोगों को दिखाया है, तो ये आप लोग रेलवे लाइन को देख सकते हो दोस्तों, ये साबरमती की है। और काम है वो काफ़ी अच्छी है, ये ब्रिज वगैरह का जो काम आप लोग देख सकते हो कि ब्रिज वगैरह अभी यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सुभाष ब्रिज है जो अपने व्हीकल्स के लिए है, तो ये ब्रिज का काम है, ये भी रेडी हो रहा है। तो मैं ये अभी जो ब्रिज है ये मेट्रो वाले ब्रिज हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है अभी जिस तरीके से काम चल रहा, तो उम्मीद करते हैं कि टाइम से 100% कम्प्लीट हो ही जाएगा। तो ये आप लोग ट्रेन जाती हुई देख सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसे भी इस वीडियो में देखा कि बुलेट ट्रेन का जो काम है काफ़ी अच्छे से चल रहा है, इस वीडियो में पूरा आप लोगों को मैंने दिखाया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर देना, ताकि उन लोगों को भी बुलेट ट्रेन का अपडेट अच्छे से मिल जाए। और जो भी नए व्यूअर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि कमेंट एक बहुत मोटिवेशन देते हैं।